दोस्तों, इंडिया में अगर कहीं भी बीटीएस का नाम लिया जाए तो इंडियन आर्मीज के लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। लेकिन अगर वो नाम खुद इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने लिया हो तो बात कुछ और ही है। तो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को शायद अभी तक नहीं पता कि इंडिया के प्रेसिडेंट ने अपनी एक स्पीच में बीटीएस के बारे में कुछ बातें भी कही थी और वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। तो दोस्तों, आखिर इंडियन प्रेसिडेंट ने बीटीएस के बारे में क्या बातें कही थी और पूरी बात क्या है, ये जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले इंडियन आर्मी को एक छोटी सी क्लिप मिली थी जो 2018 की है, लेकिन दोस्तों इस क्लिप में कुछ बहुत ही ज्यादा खास देखने को मिला था। तो दोस्तों, ये क्लिप थी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद की, जो कि एक बैंकेट में स्पीच दे रहे थे, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया मून जे इन ने ऑर्गेनाइज किया था। तो दोस्तों, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने बहुत ही सारे टॉपिक की बात करी थी और ये जो भी स्पीच थी ये पूरी तरह से कोरिया और इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर थी। अपनी स्पीच में उन्होंने इंडो कोरियन फ्रेंडशिप के बारे में भी बात करी थी, हमारे बीच में जितने भी इकोनॉमी चलती हैं और हम दोनों के ही रिच कल्चर के बारे में बात करी थी। लेकिन दोस्तों, खास बात तो ये थी जिसके ऊपर इंडियन आर्मी का ध्यान गया, वो ये थी कि उन्होंने केपॉप के बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस के बारे में भी बात करी थी और बीटीएस को भी मेंशन किया था। तो दोस्तों, अपनी स्पीच में थोड़ा सा मजा लाने के लिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा था कि कोरिया के पॉपुलर कल्चर यानी केपॉप से भी हम लोग को बहुत ही सारा इन्फ्लुएंस मिलता है, जैसे कि गन्नम स्टाइल से शुरुआत हुई थी जो कि अब बीटीएस पर आ गई है, और हमारा जो भी यूथ है वो उनकी ट्यून से और उनके कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, हालांकि वो कभी भी गन्नम नहीं गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही सारे टॉपिक्स को शेयर करा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इंडियन आर्मी ने नोटिस करा कि हमारे प्रेसिडेंट ने केपॉप और बीटीएस के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस दिया है, पूरे ट्विटर पर यही सारी ट्वीट भर गई थी और इंडियन आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश थी। काफी सारे लोग तो ये भी सोच रहे थे कि आखिर हमारे प्रेसिडेंट ने इतने पहले बीटीएस को मेंशन कर दिया, उस समय हम आर्मी क्यों नहीं बने थे, क्योंकि अगर उस समय हम आर्मी होते तो ये मोमेंट हमारे लिए और भी ज्यादा प्राउड का बन जाता। तो दोस्तों, क्या आपने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की ये स्पीच सुनी थी और बीटीएस का नाम भी सुना था, मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। और इसके साथ साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताएं, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।